आज का अपडेट वीडियो ना बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, इतना छोटा कि अगर आप आंख बंद करोगे फिर खोलोगे तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं यार, ये तो मजाक था, लेकिन बेसिकली छोटे छोटे से अपडेट्स आए हैं लेकिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपडेट। जैसे कि वंस ह्यूमन का बीटा साइन अप शुरू हो चुका है, NFS मोबाइल का नया बीटा जो फिलहाल आप डाउनलोड करके खेल पाओगे, रेसिंग मास्टर का भी नया बीटा, और साथ में क्या सच में फोर्टनाइट मोबाइल फिर से प्ले स्टोर पे वापस आने वाला है, जानना है ना? नहीं, ये तो जानना ही होगा आप सभी को। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से डेली अपडेट वीडियोस देखने के लिए। कैसे करना है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा। ठीक है, समझ गया। तो सबसे पहले अपडेट को शुरू करते हैं NFS मोबाइल के बीटा से, यानी नीड फॉर स्पीड मोबाइल की बात कर रहे हैं। तो चाइना में फिर से इसका टेस्ट जो है शुरू हो चुका है, और जैसे कि आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि शायद इसी महीने इस गेम का बीटा आने वाला है, तो आपके भाई ने कहा था ऐसा ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अच्छा, तो 10 नवंबर से ये जो नया बीटा है चाइना के लिए रिलीज हो चुका है। जी हाँ, चाइना के लिए सिर्फ। अगर आप इस गेम को खेलने की सोच रहे हो मत सोचो, खेल नहीं पाओगे। खेलने के लिए आपको QQ या फिर WeChat अकाउंट जरूरी होगा, लेकिन क्या कुछ चीजें इसमें ऐड हुए हैं वो आप जान लो। सबसे पहले इस बीटा में आपको खेलने को मिलेगा एक नया मोड। अभी ये कौन सा मोड है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मैप जो आप इससे पहले खेले थे ग्लोबल वर्जन में, उसमें एक्सपेंशन किया गया है अनरियल इंजिन पे। ऑब्वियसली ये गेम बना है, उसके ग्राफिक्स को काफी ज्यादा इम्प्रूव किए हैं। व्हीकल्स पेंटिंग जिसमें आता है, व्हीकल्स मॉडिफिकेशन, सिस्टम अपग्रेड, और जो भी स्किन आप देखे हो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर किए हैं। ये चाइना वर्जन है, फिर से बता रहा हूँ, ग्लोबल वर्जन का कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बाय चांस QQ या फिर WeChat अकाउंट है तो इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि चाइना नहीं चाहता। बात तो सही है। अब दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं। इसमें तो चाइना फिर से इन्वॉल्व होने वाला है क्योंकि बात ही कर रहे हैं रेसिंग मास्टर गेम की, जिसे डेवलप और पब्लिश की है NetEase। हालांकि पब्लिश कोई और नाम से है लेकिन वो भी NetEase के अंदर ही आता है। तो फिलहाल इसका नया बीटा जो है US में रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप प्ले स्टोर से यानी एंड्रॉइड में और साथ साथ PC में भी डाउनलोड करके खेल पाओगे। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, सब कुछ डिटेल कवर किए हैं, लेकिन आप सभी की तरफ से अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। जाओ देखो यार, आई बटन में वीडियो का लिंक दे दिए हैं, उसको देखने के बाद इस गेम को आप आराम से कहीं से भी डाउनलोड करके खेल पाओगे। लेकिन उसमें एक और चीज ऐड करना चाहेंगे, अगर आप इस गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो सीधे जाओ टैप टैप से गेम को डाउनलोड कर पाओगे। कैसे, इसके बारे में तो आपको पता ही है। तू समझा? हमारा जो तीसरा अपडेट है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो कल आपको मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं वंस ह्यूमन मोबाइल गेम की, या फिर बोल सकते हो PC गेम की, क्योंकि दोनों में ये गेम रिलीज होने वाला है। तो इसका सेकेंड बीटा जो है क्लोज बीटा, उसका साइन अप शुरू हो चुका है। तो अभी से इस गेम को साइन अप कर सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। गूगल में जाओ, oncehuman.game करके वेबसाइट मिलेगा, वहीं से साइन अप कर पाओगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए सोचा कल इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आप सबको इसके लिए साइन अप कैसे करना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इमेजेस भी शेयर किए हैं जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। और ये जो सेकंड क्लोज बीटा टेस्ट है शुरू होने वाला है 7 दिसंबर से, यानी नेक्स्ट मंथ से। अगर आपके भाई को चांस मिला तो उसका गेम प्ले तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा, अगर शेयर करने दे तो, अगर नहीं देते तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। और इसके बारे में ऑलरेडी हमने व्हाट्सएप चैनल पे आपको बता ही चुके थे कल, अगर आप फॉलो नहीं किए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाके जुड़ जाना। और इस छोटे से अपडेट वीडियो का आखिरी अपडेट है गूगल की तरफ से, या फिर बोलना सही होगा फोर्टनाइट मोबाइल की तरफ से। आपको तो पता ही होगा इनका कुछ लफड़ा वगैरह चल रहा था जिसकी वजह से फोर्टनाइट मोबाइल को प्ले स्टोर से हटा लिया गया था। तो अभी फिलहाल पता चल रहा है कि गूगल ऑफर किया है एपिक गेम्स को, यानी एपिक को 147 मिलियन, क्योंकि गूगल चाहता है कि फोर्टनाइट मोबाइल को वो अपने स्टोर पे फिर से लॉन्च करें। अब लॉन्च होगा कि नहीं इसके बारे में कोई भी अपडेट तो नहीं है, एक तरफा ऑफर किया गया है, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको प्ले स्टोर पे फिर से फोर्टनाइट मोबाइल देखने को मिलेगा।
ये ऐप स्टोर का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड यूजर के लिए है। लेकिन मुझे लगता है ऐप स्टोर में ये गेम ऑलरेडी है, अगर है तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं है फिर भी कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और इसके अलावा गूगल ने बहुत सारे ऑफर्स भी दिए हैं ताकि जल्द से जल्द एपिक जो है इसमें हामी भर दें। आपको क्या लगता है फ्यूचर में हमें ये गेम प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में बता सकते हो। तो इसी के साथ जैसे कि बताया छोटा सा अपडेट वीडियो होगा, समाप्त करते हैं पंचायत को। अगर पसंद आए तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। आने वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो साइड के लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।